नमस्कार, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में बात हुई थी कर्क लगन में कौन सा अनुकूल रत्न व्यक्ति को पहनना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हर लग्न के लिए अलग अलग रत्न जो है निर्धारित हैं, तो आज बात करेंगे सिंह लग्न के जातक जो हैं, सिंह लग्न जिनकी है, उन जातकों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, उनको कौन सा रत्न सूट करेगा। रत्न जो होते हैं अपना काफ़ी प्रभाव छोड़ते हैं, जैसा आपको पता होगा ये काफ़ी प्रभाव अपना छोड़ते हैं, लेकिन रत्नों को बहुत कायदे से कुंडली का फलित करवा के आप उसको धारण करें, क्योंकि रत्न जो होते हैं कभी कभी बहुत नुकसान कर देते हैं। आपने धारण किया और आपको निगेटिव रिजल्ट इसके मिल जाते हैं, क्योंकि आपने अगर सही से कुंडली फलित नहीं करवाई है तो इसका गलत रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि हर लग्न के लिए और कुछ ऐसे भाव होते हैं कुंडली में, उनके लिए अलग अलग भावों के लिए अलग अलग रत्न बताए गए हैं। अगर आपने थोड़ी सी सावधानी नहीं बरती तो उसका रिजल्ट आप अच्छा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, सिंह लग्न के जातकों के लिए अनुकूल रत्न माणिक होता है, माणिक के जो है पहनना चाहिए। इस ये जो रत्न होता है काफ़ी प्रभावशाली रत्न होता है, बहुत अच्छा रत्न माना गया है ये, क्योंकि सिंह लग्न के लिए पहना जाता है और इसको पहनने से काफ़ी साहस में बल मिलता है, उच्च पद प्राप्त होता है। इसे रविवार को प्राप्त रवि की होरा में निम्न मंत्र, एक ये मंत्र है, इसको जाप करके पहने, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें आप और इस मंत्र को धारण कर लें। मार्ग की धारण करने से साहस में वृद्धि होती है, भय दुख व अन्य व्याधियां जो होती हैं उनका भी नाश होता है, नौकरी में उच्च पद मिलता है, व्यक्ति जो होता है उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, अस्थि विकार व सिरदर्द की समस्या से निजात मिलता है। काफ़ी अच्छा रत्न है ये, लाल रंग का रत्न होता है ये, बिल्कुल खून के जैसा होता है, चमकदार, बहुत अच्छा रत्न माना गया है। इसको पहनने से काफ़ी आपको ऊर्जा मिलेगी, आप जब पहनेंगे बहुत अच्छा रत्न होता है, लेकिन अच्छी जगह से अगर आप इसको प्राप्त करेंगे तभी ऐसा होता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि सिंह लग्न में कौन सा रत्न पहनने से आपको लाभ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अभी लग्न के हिसाब से रत्नों के अनुकूल रत्नों के बारे में बात चल रही है, तो सिंह लग्न के बाद आती है कन्या लग्न में कौन सा रत्न पहने, उसके अलावा भी नए टॉपिकों पे बात होती रहेगी बीच बीच में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।